प्राचीन श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव तीर्थ स्थल में कभी सूख चुका कुंड अब फिर लबालब हो गया है। यह पानी मंदिर के गर्भगृह तक आ रहा है। परिसर में लगे नलकूप भी चलने लगे हैं। अत्यधिक जल दोहन से तीर्थ स्थल की अखंड जल धाराओं व कुंड के जल स्रोत सूख गए थे। इससे स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया था और यह वीरान हो गया था। तीर्थ स्थल को रमणीय बनाने के प्रयास के तहत सूखे कुंड में कृत्रिम जलाशय का पक्का निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से परिसर के आसपास भूजल का स्तर बढ़ गया है और नलकूप ओवरफ्लो होकर बहने लगे हैं। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन कुंड में भी पानी की आवक शुरू हो गई है और यह कुंड भी लबालब भर गया है। कुंड का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच गया। मंदिर के पुजारी अभिषेक व्यास ने बताया, ऐसा चमत्कार दिखाई दे रहा है। पिछले 10-15 दिनों से निरंतर जल प्रवाह इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि निरंतर धीरे धीरे जल बढ़ रहा है और दर्शनार्थी भी दूर दूर से इसे देखने आ रहे हैं। अचानक पूरी वर्षा ऋतु निकल गई लेकिन यहाँ जल नहीं बढ़ा, लेकिन वर्षा ऋतु के उपरांत अब जल इतना स्तर बढ़ रहा है और पिछले 2 दिनों से तो इतना जल बढ़ गया है कि स्वयं महादेव का जलमग्न एवं जलाभिषेक हो गया है। आज दर्शनार्थी देखने आ रहे हैं, गर्भगृह में प्रवेश निषेध है क्योंकि भगवान का पूरा जलमग्न हो गया है। और आज सोमवार के पावन अवसर पर सभी भक्तों का की ये कामना है कि इस शुभ अवसर पर जब स्वयं माता गंगा ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है तो सभी भक्तों द्वारा भी आज संध्या में भगवान महादेव का रुद्राभिषेक ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा।